कर रही हो, मैं तुम्हारा और इस बच्चे का कैसे संभालूंगा मैं इसे, हाँ अपने बाप की जिम्मेदारी संभालूंगा था मैं इसे। बात समझा करो यार, मेरे ऊपर फैमिली की प्रेशर्स हैं। मुझे पता था तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम जब ये सिचुएशन आएगा तुम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रति सिन्हा और आज मेरे साथ है स्वाति। तो मतलब स्वाति मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज करके बात की, इसे अपने बॉयफ्रेंड पर लॉयल्टी टेस्ट कराना है। तो स्वाति तुम बताओ, तुम्हें क्यों लॉयल्टी टेस्ट कराना अपने बॉयफ्रेंड पे? दी मेरा और राहुल मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों का 4 साल से रिलेशनशिप है। जब हम लोग की स्टार्टिंग में थी तो फिर हमारी बहुत बातें होती थी, हम लोग साथ में घूमते थे, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। हम लोग दोनों को एक दूसरे से बहुत अटैचमेंट था, बट अब ऐसा लग रहा है दीना कि मुझे सिर्फ अटैचमेंट है और मुझे सिर्फ प्यार है, उसके तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बहुत इग्नोर करता है। मैं अगर मिलने को बोलती हूँ तो मिलता भी नहीं है मेरे से, मतलब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है। इसी वजह से मैं चाहती हूं, मतलब थोड़ा सा ऐसा मतलब लगता है कि इसके लाइफ में कोई और है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं, मैं मिलने बोलती हूं तुरंत से मना कर देता है, कॉल पे भी मेरे से बात नहीं करता है। ओके, तो मतलब तुम क्या मतलब मेरे से क्या मदद चाहती हो? मैं आपसे बस ये मदद चाहती हूँ, मैं अभी उसको मिलने बुलाई हूँ, वैसे वो तो आता नहीं है बट अभी मान गया है तो आएगा, तो आप बस कैमरा रेडी रखिएगा और मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाना है कि बंदा आपके साथ लॉयल है या नहीं। हाँ जी ठीक है, एक बार तुम उसको कॉल कर लो कि वो कितने देर में आ रहा है। स्पीकर पे कर देना। हेलो हेलो, हाँ राहुल, कितने देर में आ रहे हो? बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। पक्का आ रहे हो ना या नहीं आओगे? अरे बोल दिया ना, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठीक है अच्छा ठीक है, आ जाओ। चलो ठीक है, मैंने कैमरा तो प्रॉपर लगा दिया है, अब देखो यार सब सही हो जाए, होप सो। तो टेंशन नहीं लो, सब सही होगा, जो भी होगा देखो जो भी होगा सही होगा। आ गए तो। क्या हो गया, अचानक से मिलने के लिए बुला ली? हाँ यार, मैं कब से तुमसे बात करने का कोशिश कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, कॉल तुम कट कर दे रहे हो। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ऐसे वैसे, तो क्या तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? नहीं नहीं, मैं तो तेरा साथ कब छोड़ने की बोल रहा हूँ, मैं तेरा मैं प्यार करता हूँ तुझसे। तो यार 4 साल का रिलेशनशिप है हम लोग का, पहले तो ऐसा नहीं होता था, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे ऊपर मेरे जॉब की प्रेशर्स है, मेरी फैमिली की प्रेशर्स है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ना फिर? तो तुम मुझे इग्नोर करोगे? नहीं नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना मैं तुमसे। मुझे इससे भी जरूरी बात तुमको बताना है। क्या बात करेंगे तुम मुझे? यार मेरी पीरियड्स मिस हो गई है, मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो चलो तुम मेरे साथ करा लो। तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? अरे मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इसकी क्या उठाऊंगा मैं, इसे अपने बाप के पैसे पे खिलाऊंगा इसे? तो मैं इसे मार भी नहीं सकती। तो फिर क्या करोगी? तो तुम मेरे से शादी करोगे? तुम्हारा दिमाग सही है, क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारा और इस बच्चे का कैसे संभालूंगा मैं इसे, हाँ अपने बाप की जिम्मेदारी संभालूंगा था मैं इसे, नहीं कर सकता मैं ये। तो तुम क्या चाहते हो कि यस ये नहीं हो सकता राहुल यार। बोला स्वाति, अरे बोल ना, चुप हो जा, चुप हो जा यार, बात समझा करो यार, मेरे ऊपर फैमिली की प्रेशर्स हैं। मुझे पता था तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम जब ये सिचुएशन आएगा तुम मुझे धोखा दे दोगे। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा सकता, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे क्या संभालूंगा मैं? आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा यार, मैं तेरे से ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर कुछ प्रेशर्स है, मेरी बहनें हैं उनकी शादी करनी है। वैसे भी तुम मुझे इतने दिन से इग्नोर कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लाइफ में कोई आ गया। यार मेरे ऊपर मेरे बाप के ताने हैं, ये हैं वो हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ तो करने पड़ेंगे ना मुझे, प्लीज यार समझा करो यार स्वाति। मैं ये बच्चे को नहीं मार सकती, तुम्हें शादी करनी होगी, मुझे शादी करनी है तुम। ठीक है मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने बाप के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, प्लीज समझा करो, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है यार, प्लीज स्वाति समझो यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। तुम ये बच्चे नहीं मार सकती, जो शादी कर लूंगा लेकिन जो होगा आगे देख लेंगे, लेकिन यार बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, तुम समझा करो मेरी बात को, मेरी बहनें हैं, 4 बहनें हैं मेरी, उनकी शादी करनी है, बहुत प्रेशर है लाइफ में, प्लीज यार चुप हो जा प्लीज।
शांत हो जा स्वाति, प्लीज शांत हो जा। तो स्वाति बिलीव हुआ तुमसे भी प्यार करता है? मतलब आप कौन? थैंक यू सो मच, आपको मुझसे इतना प्यार करते हो। वो तो ठीक है, पर आप मतलब ये क्या बात क्या हो रहा है आपको? एक्चुअली हम लोग आप पे एक मतलब स्वाति ने बोला था कि आप पे एक लॉयल्टी टेस्ट प्रैंक करने के लिए, तो बस हम वही आप पे प्रैंक कर रहे थे। मुझे मतलब मैं जानना चाहती थी कि तुम सच में मेरे से प्यार करते हो या तुम्हारे लाइफ में कर। अब समझ आ गया ना मैं तेरे से ही प्यार करता हूँ। स्वाति तुमको भी थोड़ा सा समझना चाहिए, बंदे थोड़ा प्रेशर है, परेशानी है अभी इसके साथ, और तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा इसका परेशानी। तुमको समझना चाहिए। तो तुम नहीं, अब देखो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे का साथ दोगे और अच्छा है ना। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बंदा तुमसे इतना प्यार करता है, एंड देन दोनों दूसरे का साथ दो, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सब सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर टाइम नहीं दे रहा तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा मतलब किसी और के ही चक्कर में पड़ा हुआ है, उसका पर्सनल लाइफ थोड़ा परेशान है। एंड आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग को मिल गए। एंड देखिए बोले ना, सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है, कोई कदर नहीं करता है। और देखो अगर एक चीज़ और तुम कहें, तुम मेरे से वीडियो बनाई वो सही है, बट अगर तुम्हें डाउट था और आपको भी चीज़ कह रहे हैं, अगर आपको ये ऐसा मतलब टाइम नहीं दे पा रही है, परेशान है, तो आप दोनों एक बार बैठ के बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ना बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि गलती आपकी भी है, आपने भी इसे टाइम नहीं देने इसके माइंड में शक आया ना, और इसको भी लग रहा था कि मतलब इसे भी एक बार आपसे पूछ लेना चाहिए कि मतलब क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, ये भी पूछी नहीं, बस अपने माइंड में जो आया ये सोच ली। आप लोग बस साथ में रहो अच्छे से।